पुलिस लाइन में स्थित पुलिस हॉकी स्टेडियम का अस्तित्व खतरे में है। स्टेडियम अब पूरी तरह घास का मैदान बन चुका है। पहले पुलिस जवान यहां हॉकी खेलते थे, लेकिन अब यहां कोई नहीं आता। स्टेडियम की दीवारें जगह जगह से टूट गई हैं। ऐसे में खेल मैदान में मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। पुलिस लाइन में स्थित पुलिस का हॉकी मैदान देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। एक समय जहां पुलिस के जवान स्टेडियम में हॉकी खेलते थे, अब यहां कोई नहीं आता। पुलिस विभाग का खेल मैदान अब घास का मैदान बन गया है। स्टेडियम की दीवारें जगह जगह से टूट गई हैं। ऐसे में आवारा मवेशी मैदान में घूमते रहते हैं। स्टेडियम की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और शेड भी टूट गया है। गोल में लगा नेट भी छिन्न भिन्न हो गया है। जानकारों की माने तो इस स्टेडियम ने शहर और विभाग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन वर्तमान में स्टेडियम पूरी तरह बदहाल है। इस ग्राउंड को तो मैं करीब करीब 40 साल से देखता रहा हूँ। इसी ग्राउंड से अंतर्राष्ट्रीय खेल में हॉकी और फुटबॉल के लोग जो भारत के तरफी से खेल चुके हैं, इस मैदान में हर साल में 3 से 4 बार टूर्नामेंट होते थे फुटबॉल के और हॉकी के। आज इस मैदान की आप देख लें कितनी दुर्दशा खराब हो चुकी है कि यहाँ पे पैसा सेंसन होने के बाद भी यहाँ के लोग इस मैदान को बिल्कुल रखरखाव में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ गोबर से लेके पानी की पाउच से लेके दारू की बॉटल से लेके सारी चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ तक के अगर मान लीजिए कभी यहाँ कोई टूर्नामेंट हो कुछ हो तो जहाँ बैठने के लिए जहाँ अधिकारी बैठते हैं, SP वगैरह से लेके सारे लोग बैठते हैं, वहाँ की आप दुर्दशा देखिए। ऊपर की सीट टूटी पड़ी है, अगर मान लो पानी गिरने लगे, कुछ भी गिरने लगेगा तो सारा पानी अंदर आएगा। तो प्रशासन और शासन को ये चाहिए कि इस मैदान को कम से कम, शहर के बीचों बीच में मैदान है, इस मैदान को इतना अच्छा बना दें कि जो आज के बच्चे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं इसी मैदान से सीखें और खेलें और आगे जाके अच्छा से अच्छा टूर्नामेंट खेलें। बताया जाता है कि पुलिस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए कई बार पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव बनाकर भेजे गए। स्टेडियम के जीर्णोद्धार की ड्राइंग और डिजाइन भी तैयार कर ली गई, लेकिन बजट के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और स्टेडियम बदहाली की कगार तक पहुंच गया।